थोड़ी जल्दी सुबह हो गई है हमारी और हम निकल गए हैं अपनी मंजिल के लिए। तो भी अपने भी बोर्डिंग लेके आ गए हैं, 3-4 बंदे रह गए हैं बस, बाकी इधर पूरा खाली हो गया है। तो लो भी हम पहुंच गए हैं रिवर फ्रंट वाली साइड, गड़बड़ हो गई है इसके लिए उसको वापसी दे दिया हमने। सुबह ही निकले थे, लाइट है, ट्रेन थोड़ी है। इस बंदे ने एक बर्गर ऑर्डर किया है और खाने वाले 1, 2, 3, 4 में हम प्लान में चेंजेस हैं। हम जा रहे हैं छापा मारने के लिए और अंदर जाके देखते हैं क्या सीन होगा, हमारे साथ में कुछ पता नहीं है। तो लो भाई, लो सुबह सुबह हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और हम जा कहाँ रहे हैं वो आपको अंदर चल के बताते हैं। अभी फिलहाल काफ़ी लेट हो रहा है तो चलते हैं अंदर। तो लो भाई, लो सुबह सुबह तगड़ी भसड़ लगी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं, बाकी अभी अंदर भी टाइम लगेगा, अब खड़े वेट कर रहे हैं भाई। तो भाई टाइम हो रहा है 5:24 और थोड़ी जल्दी सुबह हो गई है हमारी, हम निकल गए हैं अपनी मंजिल के लिए। और सीन ऐसा है कि आज ज़िंदगी में पहली बार चेक इन काफ़ी जल्दी हो गया, मतलब 10-15 मिनट लगे हार्डली, मतलब अंदर आ गए थे, चेक इन वगैरह हो गया, बोर्डिंग भी होगी ऑलरेडी। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी जा रहे हैं हम अंदर की साइड, गेट के पास में बैठेंगे, फ़्लाइट है हमारी 6:30 की और जहाँ हम कहाँ आ रहे हैं वो आपको हम बाद में बताएँगे। तो अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो तब तक आप व्यू इन्जॉय करो। तो भाई पिछली बार ये सीन हो गया था कि हमको जाना इस साइड था, हम इस साइड चले गए थे, तो यहाँ से फिर आधा घंटा हम पैदल पैदल उस साइड गए थे। भाई आज तो खाली खाली पड़ा हुआ एयरपोर्ट, बाकी हम अपने वाला देखते हैं, हमारा गेट तो आगे वाली साइड है तो वो वाली साइड पे चल के देखते हैं खाली है या भरा हुआ, यहाँ तो सब खाली पड़ा है तो यहाँ पर क्योंकि कोई फ़्लाइट है नहीं, तो अभी आगे चल के देखते हैं। हमारा गेट नंबर 51 है तो चलते हैं। ये एक नया लाउंज खुल रहा है यहाँ पे, देख लो भी कितना बड़ा है, तो जब ये खुल जाएगा तो आपको दर्शन करा देंगे। तो भाई पीछे जो आपको लाउंज दिखाया है ये अभी रुपए डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का ये पता नहीं है, बट उसमें लिखा हुआ है, बाकी जब खुलेगा तब आपको दिखा देंगे। तो अभी गेट की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी दूर है, तो एक तो भाई पैदल चल चल के बुरा हाल हो जाता है, ऊपर से ये इतना धीरे धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे जैसा भी होगा। सामने बोर्डिंग चालू हो गया है लेकिन अपने आराम से बैठे हैं, बाद में जाएंगे, वो सामने खड़ी फ्लाइट ये खड़ी, अभी निकलते हैं थोड़ा खाली हो जाए फिर जाएंगे। तो भी अपने अभी बोर्डिंग लेके आ गए हैं, 3-4 बंदे रह गए हैं बस, बाकी इधर पूरा खाली हो गया है, तभी लगते हैं भाई। फाइनल कॉल हो गई है और टाइम 5:50। तो भाई फाइनली अपनी बोर्डिंग डन हो गई है और अब सीन ऐसा है कि जो अंदर लगेज लेके जाते हैं हैंड बैगेज में उसमें भी टैग्स वगैरह लगाने लग गए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। बाकी भी सीन ऐसा है कि 5-10 मिनट और लगेंगे, फिर उसके बाद में फ़्लाइट में देन टेक ऑफ, तो मिलते हैं आपको फ़्लाइट में। कितना ह्यूज प्लेन है भाई विस्तारा का, आया लो भी सारा सारा खाली था, हम लोग आ गए हैं लास्ट रिमेनिंग पैसेंजर्स में से एक, तभी चलते हैं। गया है 7 और हमारा नाश्ता आ गया है, और नाश्ते में क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो वही नाश्ते में है छोले और ये रोटी है, साथ में बटर और ये बटर, इंजॉय करते हैं। सोने पे सुहागा हो गया है, पहले खाना मिला और अब कॉफ़ी आ गई हमारी, और ये मैडम भी जा रही हैं आज हमारे साथ में। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? सुपर, विस्तारा टॉप 1, आई कैन रेट। चलो बढ़िया है, ये खाना हमने दबोच लिया है, इसको हम घर लेके जाएंगे, बाकी अभी ये बनाते हैं फिर पीते हैं। हमारी मिक्सिंग चालू है, देखते हैं क्या टेस्ट निकल के आता है, नहीं तो शुगर ऑन होनी पड़ेगी।
रेडी हो गया है, ये हमारा प्लेन, ये हमारी बस, अभी जा रहे हैं अंदर। तो भाई ये जितने भी एरोप्लेन देख रहे हो ये सब अडानी एंटरप्राइजेस के हैं, पर्सनल वाले। ये भी खड़े भाई, वो कितने सारे हैं भाई। ये हमारी फ्लाइट जिसमें से हम उतरे हैं, अभी ये हमारा पैकेज जा रहा है। अभी बस तो हमारी चल गई है, बैगेज आने में टाइम लगेगा, पास में ही था, ऐसे ही उतार देते खाम का, बस कराइए हमारे लिए। ये रहा, पहुंच भी गए बताओ। पैकेज हमारे यहाँ पे इस वाली साइड पे, यहाँ से फिर बेल्ट पे चढ़ेंगे। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और बेल्ट नंबर एक पे वेट करना है हमको। तो बेल्ट नंबर एक वो वाली साइड पर है, अगर आपको दिख रही हो तो वो रही। अभी वहाँ तक चल के जाएंगे, वहाँ से लेंगे हमारा बैग, फिर एग्जिट मारेंगे। आगे आगे हम लग गए हैं, जैसे ही बैग आएगा फटाफट से लेके निकल जाएंगे। तो अभी हमारा बैग आएगा तब देखेंगे, अभी ढूंढ रहे हैं, फिलहाल खोज जारी है। लो भाई अपना बैग आ गया, काफ़ी जल्दी आ गया आज, तो लेके निकलते हैं। चेक कर लेते हैं भाई, अपना ही है ना, लग तो अपना ही रहा है, अपना ही भाई। चलो एयरपोर्ट से हमने एग्जिट कर दिया है, अब हम जा रहे हैं पिकअप जोन की साइड पे, जहाँ पे हमारी कैब आएगी। यहाँ से भी करीब करीब 2-3 मिनट का रास्ता है, इसमें लिखा हुआ है, तो चलते हैं आगे की ओर। ओला पिकअप जोन के पास में आ गए हैं और धूप इतनी तगड़ी हो रही है भाई साहब, आप लोग गैस नहीं कर सकते भाई साहब, इतनी तगड़ी धूप हो रही है। तो अभी फिलहाल गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कोई पिकअप कर ले तो जा रहे हैं वहाँ पे। अभी देखते हैं कोई टैक्सी वाला आएगा तो ठीक है, करते हैं कुछ और जुगाड़, बाकी भी देख लो उठा लो तो बढ़िया है। सुबह सुबह भी कोई टैक्सी नहीं उठा रहा यार। ड्रॉप ऑफ टाइम 8:57, अभी टाइम हो रहा है 8:20, अगर उठाओगे तभी तो लेके जाओगे यार। कोई नहीं, हम लोग वेट करते हैं। बाहर के हमारी टैक्सी हो गई है और टैक्सी का वेट हो रहा है, भैया को फ़ोन कर दिया, तो बैठे हुए यहीं पे धूप से कर रहे हैं। तो लो भाई यहाँ हमारी टैक्सी आ चुकी है और इसमें सामान रखते हैं, हम आगे रखता हूँ। अच्छा खोल दिया, ओके भैया बोल रहे हैं, तो भाई इसको डालते हैं अंदर फटाफट से। ये तो इसको भी रखते हैं, लगे इसमें लैपटॉप है भाई, इसको अगर कुछ हो गया ना तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं तो भाई आगे ही बैठूँगा भाई, जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए हैं। वेलकम टू अहमदाबाद। तो लो भाई हम पहुँच गए हैं रिवर फ्रंट वाली साइड, ये वाली साइड रिवर फ्रंट है, ये रोड है रिवर के साथ साथ वाली, तो ये वाली रोड मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। आप ये देखोगे यहाँ से इसी में ही क्रूज भी चलता है, तो अगर हमको मौका लगेगा इस बार तो हम जाएंगे, बाकी टाइम हुआ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बाकी देखेंगे जैसा भी रहेगा आपको बता देंगे। तो भाई ये हम आ गए हाईवे वाली साइड पर, अभी इतना बढ़िया हाईवे है, ये सारा सिटी सेंटर वाला एरिया है जो हाईवे के पास नहीं है, तो हमारे यहाँ पे अंदर कॉलोनीज वगैरह हैं, बाकी ये रोड है इस पर मैंने ड्राइव किया हुआ है, काफ़ी अच्छे रोड हैं वैसे अहमदाबाद की। बाकी अभी घर पहुँचने वाले हैं 5-10 मिनट में, तो चलते हैं वहाँ पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सामने भी अपार्टमेंट है, वो भी अपार्टमेंट है,
गए अपने हमारे अपार्टमेंट में, तो चलते हैं फटाफट से ऊपर। हमारी गाड़ी भी यहीं कहीं खड़ी होगी, बैक साइड पे आई थिंक। बस भैया यहीं रोक दो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ चल रहे गाने, अपनी फुल एंजॉयमेंट चल रही है और टाइम हो गया है अभी 9:22। और एक छोटी सी बसर डल गई है, एक्चुअली हम लोग तो पहुंच के थे लेकिन भाई हमारा पीछे रह गया है, तो उसको दोबारा से एयरपोर्ट भेजा है। कुछ एक गड़बड़ हो गई है, उसके लिए उसको वापसी भेजा हमने, तो वो रिजॉल्व हो जाती है तो आप लोगों को बताते हैं क्या स्टेटस रहता है उसका। तो अभी वो आ ही रहा है रस्ते में, तो जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आ गया हमारा भाई कांडी पुरुष कांड करके। भाई क्या एयरपोर्ट पे आईडी भूल गया अपनी? भूल गया थोड़ा। क्यों 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 भूल गया भाई? ये तो सही हुआ एयरपोर्ट वालों का फोन आ गया, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाती। इधर चलना है, इधर तालाब में से होते हुए निकलना है। तो ये भाई सब जी ने पता क्या किया था, ये अपनी आईडी एयरपोर्ट पे ही छोड़ आए थे और उस ऑफिसर का फोन आया हमारे पास में कि सर ऐसे ऐसे करके आपकी आईडी रहेगी। तो ये भाई साहब दोबारा गए हैं आईडी लेने, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया है, 10:30 हो गए, हम तो 9 बजे के पहुँचे हैं और ये भाई साहब अब आए हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके। अभी भी पहुँच गए, रात में थोड़ी निकले थे, सुबह ही निकले थे, लाइट है, ट्रेन थोड़ी है। रुक जा भाई यार, बात करने लो। सरवा कर रहा भाई, कर ले कर ले भाई। महंगे बंदे लगाए हमने स्कूटी की सफाई के लिए, अच्छे से भैया, ढंग से, हाँ ढंग से साफ करो। ओके जी। और टाइम हो रहा है अभी 6:03 और अभी सीन ऐसा है कि तुम्हारा भाई फुल, अरे सॉरी यार, सॉरी थोड़ा ठाटल निकाल रहा, भूल गया, बाद में चेक करो, इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है। अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं, हम आपको पहुंच के बताते हैं कि कहां जा रहे हैं। अभी फिलहाल लेट है, अभी पहुंच के मिलते हैं। कोई टाइम हो रहा है 6:54 और हम पहुंच गए स्टूडियो, अभी चलते हैं अंदर, लेट हो गया काफ़ी एक्चुअली आज हमको आने में। स्टूडियो में दुनिया भर की वैरायटी है, आप लोग आ सकते हो। तो मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है और तुम्हारे भाई ने क्या लिया होगा गेस करना, इस वीडियो में गेस है तो गेस करके बताना। बाकी शॉपिंग तो हमने कर ही ली है, बाकी इधर साइड तो सारा गर्ल्स का है, उधर लड़कों का फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह भी हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ये 299 से स्टार्टिंग है। ये भाई मेरे को तो बहुत पसंद आ गई है यहाँ पे, तो मैं दिल्ली में भी जाऊँगा एक बारी। ये देख लो भाई सारा कलेक्शन है, आके अभी चलते हैं बिलिंग वगैरह कराते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि हमने शॉपिंग कर ली थी, शॉपिंग हमारी हो गई थी, ज़्यादा टाइम लगाया नहीं हमने, थोड़ा बहुत ही सामान लिया है, वो आपको घर चल के दिखाऊँगा क्या क्या लिया हमने। तो अभी फ़िलहाल आ गए हम मैकडोनल्ड्स, तो पास में था भाई, तो ये रहा हमारा मैकडोनल्ड्स, पहुँच गए भाई हम, मैकडोनल्ड्स डोमिनोज सब साथ में ही हैं। और भाई स्कूटी लगा दो तुम और फिर अपने चलते हैं अंदर, और टाइम हो रहा है 6:07:50 पर, अभी चलते हैं डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। बाजा बजा रही है, बाजा बजाइयो, वाह नाइस। तो हम लोग पहुँच गए हैं, अभी डिसाइड हो रहा है क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना। यहाँ ऑर्डर चल रहा है हमारा, दोनों बड़ी मशक्क़त के साथ में लगे हुए हैं, ये इन्होंने कूपन छूपन निकाला कहीं से जुगाड़ करके। जुगाड़ नहीं है, ऐप में आता है, डिस्काउंट हो जाएगा। पे एट द काउंटर कर दो, पे हेयर करना था। अरे कहाँ महंगे वाला घर, आउट ऑफ द बॉक्स, ये 100 रुपये वाली तो सब खा रहे हैं यार। मेरे को कोक नहीं लेनी और कोक और ये दोनों ही नहीं चाहिए। अबे तेरी दो तेरे बस की नहीं है भाई। अरे मैं ले लूँगा। ऑर्डर हमने कर दिया है, ये अपने को मिल गया और ये कुछ कूपन भी हैं, तो हमने मशीन से ही ऑर्डर किया था। इस बंदे ने एक बर्गर ऑर्डर किया है और खाने वाले 1, 2, 3, 4 में हूँ। भाई क्या है, सोचो मैं एक बर्गर 5 लोगों में शेयर कर रहा हूँ। अबे इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। देख
दिल बड़ा है तो बिल भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते, सबके लिए मील मंगानी थी ना भाई। दोबारा ऑर्डर करने जाऊंगा। चल ठीक है, जा पर मील यहाँ पे आ गई है, पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो भाई टाइम होने वाला है 10 और हम लोग मैकडोनल्ड से बाहर आ गए हैं और भारी खड़े में, और स्कूटी हमारी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अभी खड़े हुए हैं। स्कूटी ये खड़ी अपनी, और दूसरी स्कूटी लेने गया भाई, तो अभी दूसरी स्कूटी आएगी तब तक यहीं पर खड़े हुए हैं। और फिलहाल अभी ऐसा सीन बन रहा है कि हम लोग जाएंगे गुजराती गाठियावाड़ी खाना खाने के लिए, तो उसकी जगह डिसाइड हो गई है, वो आसपास में यहाँ पे मतलब दूसरी साइड जाके रॉन्ग साइड में जाके है, तो अभी जैसे स्कूटी आ जाती है तो वहाँ पर चलते हैं। बाकी ये बच्ची भाई झूले झूल रही है, इतने बढ़िया मज़ा आता है इस पर भाई। ये तो अभी धीरे धीरे चला रहा है क्योंकि छोटी बच्ची है ज़्यादा, बाकी स्कूटी आती है तो फिर आपको मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के। 2000 years later. ये दो नमूने आ गए हैं। अबे तुम यहीं पे रहते हो ना? तो क्या रास्ते वस्ते याद नहीं रहते तुमको? नहीं थोड़ा नहीं रहता। भाई इतनी देर क्यों लगा दी? मैडम को जाने का रास्ता भी नहीं पता था ना आने का पता था। टाइम देख रहा है 10:08 हो रहे हैं। मैं पता कितनी देर से खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ, मेरे को इन्होंने बोला अरे यहीं पे यहाँ से बिल्कुल पास में घर है। अरे ये पास में घर था, इतनी देर लगा दी। प्लान में चेंजेस हैं, हम जा रहे हैं छापा मारने के लिए और अंदर जाके देखते हैं क्या सीन होगा, हमारे साथ में कुछ पता नहीं है तो अंदर चलते हैं भाई। शादी वादी हो रही है तो अंदर एंट्री लेते हैं भाई, ठीक है? अगर अंदर पकड़े नहीं गए तो बढ़िया खाना वाना खा लेंगे, नहीं तो भगा देंगे भाई। ऐसा कुछ सीन चल रहा है, चिल वाइब्स हो रही है एकदम, गरबा गुरबा चल रहा है ऑलरेडी, तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन है। अभी यहाँ पे गरबा चल रहा है और हम लोग आए हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो भाई अभी देखते हैं क्या खाना ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे सारा सिटिंग एरिया है, ये देख लो ऐसा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे गरबा चल रहा है और अभी देखते हैं मेन्यू वगैरह मंगाया, जैसे भी खाना वाना ऑर्डर करेंगे आपको बता देंगे। ये मैडम डांस कर रही है, करो करो। भाई ये सब लोग डांस कर रहे हैं, एकदम गांव वाली फीलिंग आएगी आज खा के, देखते हैं कैसा है। ये है काजू गाठिया और ये क्या है, पनीर है पता नहीं भाई क्या है, ये रोटी है, ये भी रोटी है, भाई खा के देखेंगे टेस्ट कैसा है। बच्चों ने झूले खाने शुरू कर दिए यहाँ पे और अपना खाना यहाँ पे डन हो गया है, और अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि खाना तो खा लिया, फर्स्ट टाइम गाठियावाड़ी खाना खाया था, बहुत बढ़िया था। मेरे पीछे गाड़ी आप देख ही रहे होंगे, BMW खड़ी है अपनी फेवरेट, तो आपको दिखाऊंगा अभी। बाकी अभी सीन ऐसा है कि खाना वाना खा लिया है तो अभी घर चल रहे हैं, तो अभी टाइम हो गया 12, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको लगेगा कम से कम 40-45 मिनट लगेंगे, तो निकलते हैं यहाँ से। बाकी भी गाड़ी देख लो एक नंबर, मैं दिखाता हूँ कौन सा मॉडल है, ये है BMW 320। तो भाई जबरदस्त देख सकते हैं, स्कूटी हमने यहाँ पे लगा दिया है और हम खड़े हैं फ्लावर के बीचों बीच में, और हम यहाँ आए हैं ये रिवर फ्रंट का नज़ारा लेने के लिए। एक्चुअली हम जाएंगे बट कल परसों में उस साइड पे, नीचे वाली साइड पे हम लास्ट टाइम गए थे, बट इस बार ही अभी तो खैर रात का टाइम 12 बज रहे हैं, अभी वापस आ रहे थे तो हमने देखा, तो अभी भाई ये देख लो व्यू, ये फ्लाईओवर है, तो यहीं से हमारा घर इस साइड है, तो हम लोग 5 मिनट रुके हैं यहाँ पर।
भाई टाइम हो रहा है एक आपको मैच चल रहा है मैच और ला दिया है भाई रात को मैच चल रहा है क्या लगता है बताओ क्या शॉट मारा रात के लिए आपने यार क्या शॉट मारा है लौंडे ने अच्छा कौन से लौंडे ने शॉट मार दिया भाई बैटिंग वाले ने कितना चौका छक्का छक्का भाई मैच चल रहा भाई कैसा एक्सपीरियंस भाई जबरदस्त यहाँ पीछे से कमेंट्री भी चल रही है भाई भाई बढ़िया बढ़िया बहुत ही बढ़िया जीत गए भाई लो भाई लो बहुत ही बढ़िया भाई। तो भाई टाइम हो रहा है लगभग एक और हम लोग अभी अभी घर पहुंच गए हैं। तो आज का दिन काफी बढ़िया रहा, काफी लेट तक घूमे हम, रास्ते में आते आते हमने क्रिकेट भी देख लिया पूरा, ओवरऑल खाना भी बहुत बढ़िया था हमारा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वो करते हैं, आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।